नमस्कार, आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। दोस्तों, ये किस्सा शम्मी कपूर का है और साथ ही बात अमिताभ बच्चन की भी होगी, राज कपूर की भी होगी। और इस तमाम बातचीत में जो केंद्र में है वो है पान मसाला। जी, पिछले दिनों आपने 69वें जन्मदिन पर अमिताभ बच्चन की ओर से एक ऐलान सुना होगा। ऐलान था कि अब वो पान मसाले का विज्ञापन नहीं करेंगे और उन्होंने कंपनी के साथ करार को ख़त्म करके पैसे वापस लौटा दिए। अमिताभ के इस कदम को सभी ने स्वागत किया, इसका हौसला अफजाई की। हालांकि इससे पहले सोशल मीडिया पर अमिताभ को ऐसे विज्ञापन करने के लिए भी काफ़ी ट्रोल किया गया था। अमिताभ की ओर से जारी स्टेटमेंट में बताया गया था कि उन्हें नहीं मालूम था कि वो जो विज्ञापन कर रहे हैं वो सरोगेट एडवर्टाइजिंग की श्रेणी में आता है, यानी कि किसी दूसरे उत्पाद की आड़ में प्रतिबंधित पदार्थ का विज्ञापन करना। इस खबर की रोशनी में जब शम्मी कपूर का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें उन्होंने खुलासा किया था कि कैसे एक पान मसाला ब्रांड का विज्ञापन करने के लिए राज कपूर ने हांगकांग एयरपोर्ट पर उनको फटकार लगाई थी। ये वीडियो YouTube पर शम्मी कपूर नाम के चैनल पर मौजूद है और इस वीडियो में शम्मी कपूर बताते हैं कि हांगकांग एयरपोर्ट पर पूरा कपूर परिवार वहां पर मौजूद था और जैसे ही उन्होंने एंट्री ली वहां मौजूद भीड़ पान मसाले का नाम लेकर चिल्लाने लगी और उस जिंगल को गाने लगी। शम्मी कहते हैं कि उनके लिए ये नई बात नहीं थी, सभी ने वो विज्ञापन देखा था मगर एक शख्स ने तब तक नहीं देखा था और वो थे मिस्टर राज कपूर। एयरपोर्ट में कस्टम क्लीयरेंस के बाद राज कपूर शम्मी को एक तरफ ले गए और उनसे कहा कि क्या तुम्हें खुद पर शर्म नहीं आती? शम्मी कहते हैं कि मेरी समझ में नहीं आया कि मैं क्या कहूँ, आखिर मैंने किया क्या था, क्यों मुझे उन्होंने ऐसा कहा। राज कपूर ने शम्मी कपूर को बहुत फटकारा। शम्मी कहते हैं कि मैं आज भी नहीं भूला हूँ, जब ये वीडियो उन्होंने रिकॉर्ड किया था तब की बात है। राज कपूर ने कहा कि फिल्म इंडस्ट्री में तुमने इतना काम किया, तुम्हारी जंगली, तीसरी मंजिल, प्रोफेसर, दिल दे के देखो, कहाँ गई ये सब फिल्में, सब खत्म हो गई क्या? अब लोग तुम्हें इस पान मसाले के विज्ञापन के लिए याद रखेंगे। आपको बता दें कि विज्ञापन में शम्मी कपूर से के साथ अशोक कुमार भी हैं और 90 के दशक का ये विज्ञापन है और काफ़ी मशहूर विज्ञापन है। हिंदी सिनेमा के लीजेंड एक्टर शम्मी कपूर का निधन 14 अगस्त 2011 को हुआ था और अपने करियर में उन्होंने कई बेहतरीन फिल्में की और आखिरी बार वो रॉकस्टार में नज़र आए थे। लेकिन ये जो विज्ञापन है, ये विज्ञापन शम्मी कपूर की गले की फांस बन गया था, ठीक वैसे ही जैसे अब अमिताभ बच्चन का। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।